हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कढ़ाई वाले सूट की कटिंग बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर कढ़ाई है, यहाँ से हमने सेंटर से इसको इस तरीके से पकड़ना है, फिर इसको डबल फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स, आपका तीरा क्यों गिरता है या आपके मुड्ढे में झोल क्यों आती है, आज मैं बिल्कुल क्लियर आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर हम 40 इंच लेंथ ले रहे हैं, आप अपने नाप के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। आधे इंच मैंने एक्स्ट्रा करा है कटिंग के लिए, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो 13 इंच इसके शोल्डर हैं, तो यहाँ पर हमने 6.5 इंच का निशान लगाया है शोल्डर का। हाफ इंच शोल्डर को हम नीचे की तरफ कर देंगे, उसके बाद देखिए इस तरीके से हम शोल्डर को नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे। आपको ये इस तरीके से, आप शोल्डर को हाफ इंच नीचे कर दोगे तो आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। और यहाँ पर हमने 7 इंच के मुड्ढे के निशान लगाए हैं, आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ शोल्डर से नीचे की तरफ इंची टेप रखते हुए निशान लगाने हैं। तो शोल्डर से नीचे की तरफ जो इंची टेप रखेंगे हम, वो 20 इंच पर है, या यहाँ से मुड्ढे के निशान से 12 इंच नीचे पर रख सकते हो आप डायरेक्टली। इस तरीके से हमने इंची टेप रखा है, यहाँ हिप के निशान है, यहाँ पर हमारे पेटी के निशान है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको निशान लगाकर बताती हूँ। तो जैसे कि चेस्ट है हमारा 34 इंच, तो उसका हम 1/4 रखेंगे, 8.5 इंच। यहाँ हमने चेस्ट के निशान लगाए हैं, यहाँ पर हम पेटी का निशान लगाएंगे। जैसे कि पेटी है आपके 32, तो उसका 1/4 रखेंगे हम। यहाँ पर हमने 1/4 लिया है, 8 इंच। और यहाँ पर हिप का 40 40 का 1/4 लेंगे, 10 इंच। तो आपका जो भी नाप है आप उसका 1/4 कर सकते हो। और उसके बाद हमने दामन यहाँ 24 इंच के रखने हैं, तो हमने यहाँ पर 12 इंच का निशान लगाया है। दामन को हमें आधा ही नाप रखना लगाना है। तो फ्रेंड्स, अब इन सारे निशानों को हम एक दूसरे से मिला देंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीका मैं सूट कटिंग का बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जैसे कि हमने 6.5 इंच तीरे के निशान लगाए हैं, उसी तरीके से हम 6.5 इंच 6 इंच नीचे पर सीधा निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को हम एक दूसरे से इस तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पर हमने 6.5 इंच तीरा है, तो 6.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाकर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हमने यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देख सकते हो आप, मैंने 1/2 इंच अंदर की तरफ मुड्ढे पर निशान लगाया। इस अंदर वाले निशान से हमें मुड्ढे की गोलाई करनी है फ्रंट साइड के पर्थ की। यहाँ पर हमने 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया, आप देख सकते हो ये अंदर वाला निशान है, इसको इस वाले निशान तक हम मिला देंगे। इस तरीके से आप मुड्ढे की गोलाई करोगे फ्रंट साइड के पर्थ की, तो फ्रेंड्स यकीन मानिए आपके मुड्ढे में कभी भी झोल नहीं आएगा। जो आपके आर्म होल में झोल आता है वो कभी भी झोल नहीं आएगा। 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने यहाँ पर फिटिंग के निशान लगाए हैं, और दामन में हमने यहाँ पर जो चाक है यहाँ पर नीचे की तरफ हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने कितना सिंपल और इजी तरीका आपको बता रही हूँ। चेस्ट का हमने 1/4 मानी कि, यानी कि हमने रखा था यहाँ पर 8.5, पेटी रखी थी हमने 8 इंच, और हिप रखे थे हमने 10 इंच। तो इस तरीके से हमने पूरे सूट का निशान लगाया है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी तरीका है। नीचे वाले निशान पर हम कटिंग करेंगे। शोल्डर, अगर आप इस तरीके से शोल्डर के निशान लगाओगे तो आपको शोल्डर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अंदर साइड से हमने मुड्ढे की गोलाई करनी है, आप देख सकते हो आपके मुड्ढे में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। तो ये देखिए हमने सूट की कटिंग कर ली है, बहुत सिंपल और बहुत इजी तरीका है इस तरीके से। अब हम बैक साइड के पर्थ को इसमें रख लेंगे डबल फोल्ड करते हुए। तो हमें स्लिप्स निकालनी है इसमें से ही, तो पहले हमने बैक साइड के पर्थ को इतना ही फोल्ड करना है जितने की हमें ज़रूरत है, जितना कि हमने फ्रंट साइड के पर्थ के दामन को कटिंग किया है। फ्रंट साइड के पर्थ इसके ऊपर रखेंगे, सेम उसी तरीके से कटेगा, सिर्फ मुड्ढे की कटिंग ज़्यादा होगी। तो हमने यहाँ पर मुड्ढे की जो कटिंग ज़्यादा करनी है वहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा करनी है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने मुड्ढे के एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे 1 इंच, और बाकी की जो सारी हमारी कटिंग है बैक साइड के पर्थ की फ्रंट साइड के जैसे ही होगी। तो अब इसी के बराबर हम बैक साइड के पर्थ की कर देंगे कटिंग। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको सिंपल सी बाजू की कटिंग बताऊंगी। तो ये देख सकते हो यहाँ पर हम कट लगाएंगे, चाक रहेगा, यहाँ से हमारी सिलाई शुरू होगी। तो यहाँ पर जो हमारा साइड से कपड़ा बचा है इसको हमने फोल्ड किया है डबल। ये देख सकते हो यहाँ पर हमारे जो साइड की छटिंग थी वो रख लेंगे, और इस तरीके से हमने बाजू को फोल्ड करना है। जिसमें अगर कम कपड़ा है तो आपको बाजू इसी तरीके से निकालनी होगी। यहाँ सर हमने फोल्ड कर लिया है कपड़े को, और उसके बाद जो हमारी साइड की फ्रंट साइड के पर्थ की जो छटिंग थी साइड से वो हम यहाँ पर रख लेंगे। रखने के बाद ये देखिए हम बराबर मिला लेंगे। उसके बाद हम बाजू की लेंथ लेंगे। आपको जितनी भी लेंथ लेनी हो आप अपने नाप के हिसाब से रख सकते हो। मैं इसमें बाजू में 18 इंच की लेंथ लूँगी। यहाँ पर हम 2 निशान लगाएंगे, एक कटिंग का, एक मार्जिन का। लंबाई का निशान लगाने के बाद हमने नीचे की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है जो हमारा फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे 3 इंच नीचे की तरफ ये निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमें यहाँ पर जो हमने 7 इंच के मुड्ढे लिए थे यहाँ पर हम 7 इंच का निशान लगाएंगे। तो ये निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे। इसके बाद हमें ऊपर वाले निशान से यहाँ से मुड्ढे की गोलाई करनी है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, हम नीचे आप जो भी बॉटम रखना चाहो रख सकते हो। देख सकते हो आप इस तरीके से मैंने कपड़े को रख लिया है। यहाँ पर हम बॉटम रखेंगे 4.5 इंच, आप 4 साढ़े 4 जो भी इंच रखना चाहो रख सकते हो। इस तरीके से हमने फिटिंग के निशान लगाने हैं। उसके बाद हम मार्जिन के निशान लगा लेंगे 2 इंच के।
तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 2 इंच के मार्जिन के निशान लगाए हैं। अब इन निशानों को एक दूसरे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।